जनपद में राप्ती और सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं रोहिन नदी का पानी उतार पर है। नदियों में पानी के बढ़ने का असर तटवर्ती गांव में पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसे कई गांव में नदियों का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद में करीब 120 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 74.98 मीटर है। बुधवार को 75.79 मीटर नदी का पानी का स्तर था। बहरामपुर दक्षिणी के प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस जाने से बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है तथा ग्रामीण नाव से अपना जरूरी कार्य कर रहे हैं, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि नदी में जलस्तर बढ़ने से पूरे गांव में पानी आ गया है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से एक हफ्ते से घर में कैद है। उन्होंने कहा कि पानी में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, बाहर से राशन सामग्री लाने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई देखने तक नहीं आया और ना ही अभी तक राहत सामग्री मिल पाया है। वहीं एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी के किनारे ना जाएं, जिससे किसी प्रकार का अनहोनी हो ना सके। और जनपद के 40 गांव बाढ़ ग्रसित हो गए हैं। वहां पर 25,000 बाढ़ राशन किट को बांटने का आदेश दे दिया गया है और लगभग 8,000 राशन किट का वितरण कर दिया गया है तथा बाकी जगहों पर शीघ्र ही वितरण कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दक्षिणी बहरामपुर के ग्रामीण नाविक रामदीप और गीता एवं एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नदी बढ़ रही है ना, इमरजेंसी अभी नाइक सहारा बा, बस और कौन सहारा। कितना नाव दिया गई सरकार को, मतलब प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा ये खाली हम ही चल
कौन सा गांव है? बहरामपुर, दक्षिणी बहरामपुर। क्या नाम है आपका? राम जी। बाढ़ आया हुआ है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? अरे भाई, दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। हर साल पानी बढ़ल हुआ घटा है? मैं बढ़ल हुआ। कोई अधिकारी आए मिलने आपसे? कोई नहीं, कोई राहत सामग्री मिलता है वो मिला अभी नहीं। कितना परेशानी हो बाढ़ के? अब बाढ़ में तो साहब अब मनो आप देखबे करल जात है, नाव न रहे तो हम लोग भूखन मर जाएल जाए, उतर जाए आ जा नहीं पावल जाए। नाव आप चलाते हैं? हाँ। नाव प्रशासन की तरफ? हाँ हाँ। क्या व्यवस्था मिलती है आपको? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। गीता। कौन सा गाँव है? बहरामपुर। बाढ़ आया हुआ है? हाँ बाढ़। कितनी परेशानी हुई, कितने दुख? अरे बहुत परेशानी बा, कुछ अब कैसे कहल जाए परेशानी। बाढ़ते आए लो परेशानी तो बा, एक हफ्ता से कहीं जा ही नहीं मिलेला, खाली घर में है। चारों तरफ पानी? हाँ चारों नदी बड़ी है, पानी बढ़ा के घटा है? बढ़ाता भाई। हाँ। कैसे क्या साधन से आप कोई सामान अगर लाना हो बाहर? साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। जब शाम सुबह के बोला देता है नहीं तो नहीं है तो वैसे खेल भी ना मरल जाए। कैसे आती जाती है अगर कुछ काम पड़ता होगा? आई के बोला जाते आई नहीं तो नहीं आई तब नहीं आई उसे टहल जाला। नाव से? हाँ नाव से। हाँ। कोई अधिकारी आए आपसे? क्यों नहीं आई लहल। राहत सामग्री मिलता है बाढ़ में? हाँ नहीं भाई नहीं। नमस्कार, मैं राजेश, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। और आज 12 अक्टूबर 2022 है, आज भी जो जनपद की नदियाँ हैं राप्ती घाघरा दोनों का ही जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, अर्थात उनका जलस्तर बढ़ रहा है। मेरा अनुरोध है गांव के सभी लोगों से कि कृपया नदी के किनारे या नदी पर ना जाएं, जिससे वो सुरक्षित रहें। ऐसे सभी गांव जो मैरूंड हो गए हैं, जनपद के लगभग 40 गांव हैं जहां पर लगभग 25,000 राशन किट का आदेश दे दिया गया है जो शीघ्र ही वहां पर पहुंच रही हैं। लगभग 8,000 का वितरण कर दिया गया है, शेष जगह शीघ्र ही वितरण कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जहां मैरुंड गांव हैं और गांव के निवासियों की मांग है, स्थानीय स्तर पर, तहसील के स्तर पर मांग के अनुरूप आपूर्ति की जा रही है।